ये 100 सवाल जो हमने 3 महीने में पूछे थे, इसका एक ही मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी सीमित तरीके से जांच कर पाएगी। मोडानी घोटाले के बारे में अगर आपको सच्चाई जाननी है तो सिर्फ जेपीसी ही, जेपीसी के रास्ते से ही आपको पूरी सच्चाई बाहर निकलेगी। इसीलिए हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जेपीसी की मांग की, और जब मॉनसून सत्र आएगा, हम नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठेंगे, तब भी पहली मांग जेपीसी की ही होगी। ये मांग से हम पीछे हटेंगे नहीं। सभी विपक्ष पार्टियां एक हैं, एकजुट होकर इस मोडानी मामले में जेपीसी का गठन, इस पर हम दबाव सरकार पर बरकरार रखेंगे।